मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज कुछ मीठा बनाते हैं। मीठा बनाने का दो कारण है। सबसे पहले मेरे 100 से भी बेसी सब्सक्राइबर हो गए हैं, आप सबको इसके लिए धन्यवाद। और दूसरा, सातुड़ी तीज आ रही है। सातुड़ी तीज, इसमें हम सातू बनाते हैं। राजस्थान के हर घर पे आप देखोगे इस दिन सातू बनाते हैं। वो सातू बनाने के लिए हमें सातू का आटा, चीनी, घी और यहाँ पे मैंने गोंद भी डाला है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको ना मिले तो भुने हुए चने को आप पीस लें और चीनी पीस लें, और घी तो घर पे इजीली मिलता ही है। हमें तीनों को मिला के हम सातू बनाएंगे। यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी शुद्ध घी होना चाहिए गाय का, और गोंद, बादाम और केसर के कुछ धागे हैं। गोंद हमें इजीली उस स्टोर में मिलेगा जहाँ पे राजस्थान के सामान मिलते हैं। आप गोंद को लेके उसे अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि कई बार गोंद के अंदर काले काले या लाल रंग के दाने होते हैं जिसे हम निकालते हैं। बादाम को मैंने यहाँ पे आधे आधे पीस काटा है, और केसर को हम दूध में थोड़ी देर के लिए भिगो लेंगे ताकि इसका अच्छा कलर आएगा। इसे भिगो के आप साइड कर ले। गोंद को मैं साफ कर लेती हूँ, और इसके जो भी इसके अंदर लाल और काले दाने निकलते हैं उसे हम निकाल के फेंक देंगे। अब हम कढ़ाई पे घी गरम करेंगे। घी इतना गरम करें कि हल्का धुआं आने लगे, ताकि इसके अंदर गोंद अच्छे से फ्राई हो जाए। गोंद जैसे ही हम डाल थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ ना डालें, नहीं तो उसका गुच्छा जल जाएगा। अच्छे से चारों तरफ बिखेरते हुए गोंद डालें, थोड़ा सा उसे हिलाएं, ऊपर नीचे हिलाते हुए उसे बाहर निकाल लें, नहीं तो वो जल जाएगा। इस तरह आप अपना सभी गोंद को तल के अलग से प्लेट में रख लें। अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारा घी साइड में ही रहेगा। गोंद मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और ये सातू का आटा हम छान लेंगे, क्योंकि पैकेट का आटा कई दिनों से बना हुआ रहता है, बेटर है हम उसे छान लें। छाने हुए सातू के अंदर वो जो हमारा घी गरम था उसे हम चम्मच के सहारे डालेंगे, और चम्मच के सहारे ही हम हिलाएंगे। थोड़ा सा घी हमारा कढ़ाई में रह जाता है, उसे हम रख लेंगे, और घी गरम है इसलिए आप स्पून की मदद से ही उसे मिक्स कर लें। जब थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर आप हाथों के सहारे उसे आराम से मिक्स कर लें। अब मेरा ये घी ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे हाथों से मिक्स करूंगी। और ध्यान रहे, घी पूरा हम एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे हम घी डालते हैं। अच्छे से ये मिक्स होने के बाद हाथों से आप मिक्स कर लें फिर से इस प्रकार, ताकि पूरा घी हमारा अच्छे से मिल जाए और हमें पता चले कि हमें और कितना घी चाहिए। मिक्स करने के बाद इस तरह आप लड्डू बनाएं। अगर ये आटा नीचे ना गिरे इसका मतलब आपका घी पूरा है। वैसे भी अब इसमें हम चीनी डालेंगे, फिर थोड़ा घी और लगेगा, लेकिन एक बार के लिए इसका घी पूरा हो गया। अब उसे आधी इसे पौन घंटे तक आराम से ठंडा होने दें। एकदम ठंडा होने के बाद ही हम इसमें चीनी डालेंगे, या पंखे के नीचे रख के आप थोड़ा जल्दी ठंडा कर सकते हो। तो हमारा सातू का आटा जिसमें घी और आटा डाला हुआ है वो ठंडा हो रहा है, इतना घी हमारा भी बच गया है। जैसे हमने सातू छाना था उसी तरह आप चीनी को भी छान लें, क्योंकि चीनी में भी कई बार गांठें रह जाती है। अब हम चीनी और सातू और घी सबको मिक्स करेंगे। सातू मेरा एकदम ठंडा हो गया है, अच्छे से आप चीनी को मिक्स कर लें चारों तरफ मिलाते हुए। फिर उसी प्रकार हम चेक करेंगे कि हमारा सातू का लड्डू बन रहा है। आप देख रहे हैं ये साइड से थोड़ा थोड़ा आटा गिर रहा है, इसका मतलब मुझे इसमें और घी डालना पड़ेगा। अब घी हम संभलते हुए डालेंगे। ज़्यादा घी डालने से सातू तो आपका इजीली बन जाएगा, लेकिन वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। सातू में अगर बहुत घी होता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और पूरा घी होने से जो मुँह में जाके वो मुँह में घुलता है और हमारे तलवे में चिपकता है, सातू असली में उसी का टेस्ट आता है। अब मैं इसमें थोड़ा घी और डालूंगी ताकि मेरा लड्डू अच्छे से बन जाए। थोड़ा घी डालने के बाद ऑलमोस्ट मेरा पूरा घी लग गया है, अब ये अच्छे से लड्डू बन रहा है। यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी इसको, आटे को। एक का मैं प्लेन बनाऊंगी जिसमें गोंद नहीं डालूंगी, और जिस दूसरे में मैं गोंद डाल रही हूँ।
गोंद वाले जब आटे को हम मिक्स करते हैं, हल्के हाथों से मिक्स करें, नहीं तो गोंद फूटने का डर रहता है। आराम से इसे मिला लें और फिर उसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारा लड्डू बन जा रहा है। हाथ में जितना आप अमाउंट चाहे आप ले लें, जिस प्रकार आप छोटा और बड़ा सातू बनाना है पूरा मिक्स करके, इसी प्रकार अब हम लड्डू बनाएंगे। ऑलमोस्ट मेरा लड्डू बन रहा है, इसका मतलब अब हमारा सातू तैयार होने वाला है। इस प्रकार आप सभी लड्डू को बना के रख लें, फिर एक एक को हम सातू का शेप देंगे। सातू में डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 सामान लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। अब अपने अंगूठे को से दबाते हुए इस लड्डू को और दोनों हथेलियों से प्रेस करते हुए हम सातू का शेप देंगे। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सातू का शेप यही होता है जो कि बीच से थोड़ा उठा हुआ रहता है और सातू फटना नहीं चाहिए। अगर आपका सातू फट रहा है इसका मतलब थोड़ा घी और लगेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अच्छे से इसे दबाते हुए आप करेंगे तो देखेंगे हमारा सातू एकदम चिकना हो गया है। अब आप इसे कोई भी शेप दे लें। मैंने यहाँ पे नाइफ लिया है प्लास्टिक का जो केक के साथ आता है, उससे आप इस तरह स्क्वायर शेप दे सकते हैं इसके अंदर। फिर आप ब्रश से केसर जो हमारा दूध में भिगोया हुआ था उसे कलर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे किस प्रकार डेकोरेट करना चाहते हो। चम्मच, गोल चम्मच है, उससे भी आप प्रेस करेंगे एक एक लाइन, तब देखिए ये इस प्रकार का शेप नज़र आएगा। डिफरेंट शेप्स के हम सातू बनाएंगे, बस ये शेप की ही बात है, अदरवाइज टेस्ट तो वैसा ही है। अब यहाँ पे मैंने बादाम जो हमारा आधा कटा हुआ था वो आधा बादाम लगा दूंगी और साइड में इलायची के 2 दाने लगाऊंगी, तो ये गणेश जी जैसा इसका फेस लगेगा आपको। दोनों साइड में इलायची के दाने से हम आग बना लिया मैंने और बादाम से सूंड बना लिया। तो आप किसी भी डिज़ाइन से जो आपको पसंद हो वैसा आप डिज़ाइन दे सकते हो इस पर। अब ये लंबा स्पून लिया मैंने, उससे थोड़ा डिफरेंट शेप दे सकते हैं, 2 या 3 बार इस तरह आप चेंज कर करके इसके शेप दीजिए तो ये फ्लावर के शेप में आ जाएगा। बीच में बादाम लगा दिया और साथ ही साथ केसर का कलर लगाएंगे तो फ्लावर के शेप में आ गया है ये डिज़ाइन हमारा। अब यहाँ पे मैंने लिपस्टिक का कैप लिया था और साथ में टूथपिक, इससे भी एक नया शेप दे सकते हो आप। चारों तरफ टूथपिक को प्रेस करते हुए लाइंस बना लें, फिर इन लाइंस के बीच में आप जो मर्जी हो वैसा बनाएं। तो ये हमारे शेप में सातू तैयार है। आप इसे गणेश जी का भी मोल्ड दे सकते हो, जिस प्रकार चाहे इसका शेप दे, डिज़ाइन दे। प्लेन सातू भी रख सकते हो, ये गोंद का सातू मैंने प्लेन रखा है। इस प्रकार आप देख सकते हो कितने वैरायटीज़ में, कितने शेप्स में हम सातू बनाएंगे। टेस्ट वही है, बस वो देखने में अलग लगता है। लेकिन सातू को आप प्लेट में कम से कम 2 घंटे के लिए रखिए, फिर जब उसे निकालना हो घी नीचे थोड़ा जम जाता है, इसलिए धीरे धीरे प्रेस करते हुए हम उसे घिसकाएंगे और जिस कंटेनर में या प्लेट पर आप रखना चाहें सातू तैयार है हमारा। ज़रूर ट्राई करिएगा। तीज के इस त्यौहार पे आप सभी को सातुरी तीज की बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो मेरा पसंद आने से प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।